इलाके में आपका मदद का जरूरी नहीं मांग रहे। अगर हम लोग अपोजिशन में बैठने के लिए 150-200 सीट ले रहे तो हम मोदी को जो शासन लागू कर रहे हैं पार्लियामेंट में, ट्रिपल तलाक के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, सिटीजन अमेंडमेंट के खिलाफ, ये सब शासन लागू करने के लिए पार्लियामेंट में मोदी कोशिश किए तो अगर हमारे जेब में कांग्रेस पार्टी के हाथ में 150-200 अगर एमपीआर रहे तो इतना हिम्मत मोदी जी करता था क्या? आप लोग सोचो, आप लोग ये समझ रहे कि भाई हम केसीआर को वोट दे रहे, भाई हम असद साहब को वोट दे रहे, और कहीं गए तो जगनमोहन रेड्डी साहब को वोट दे रहे, और कहीं गए तो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, पूछते ही महेश्वरम राजेंद्र नगर में टीआरएस को वोट मिले, मेजॉरिटी मिले, मैं पूरा बूथ देखे, बूथ के हर एक बूथ का हिसाब मैं देखा, जहां जहां हमारे माइनॉरिटी भाइयों है वहां वहां केसीआर साहब को वोट मिले। तो मैं माइनॉरिटी भाइयों, बहुत सारे दोस्त हैं मेरा, बचपन के भी दोस्त हैं, मैं उन लोगों को बुला लिया, अरे भाई क्या किए, ये एरिया में आप लोग अगर कांग्रेस पार्टी को मदद देते तो कांग्रेस पार्टी का एक एमपी बनता था। तो वो लोग बोल रहे थे भाई हम क्या करें, असद भाई ने कहा हम लोग वोट दिए, असद भाई ने ये कहा कार के स्टीयरिंग मेरा हाथ में, हमारा भरोसा असद भाई के ऊपर था, असद भाई के भरोसा केसीआर के ऊपर थे, इसीलिए हमारा वोट हम उधर दिए। मैं दूसरे सवाल पूछा, सही है भाई कार का स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में है, असद भाई को केसीआर के ऊपर भरोसा है, ये सब सही है, मगर जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक के बिल आए तो केसीआर साहब, रंजीत रेड्डी साहब जो जीता है छेवेला से, रंजीत रेड्डी साहब ने फिर मोदी के गोद में बैठा हुआ है, ये कैसा हो सकता, ये कैसा हो सकता? अगर कार के स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में होता था और वो अगर असद भाई ने जो कह रहे हैं वो सच है तो टैक्सी चलाने वाले को, पान डब्बा चलाने वाले को, साइकिल पंचर डालने वाले को अगर 10-10 लाख लोग अगर उन लोगों को मिले तो उनका तरक्की बनेगा ना, तरक्की के लिए वो लोग काम कर लेगा। और 2015 में जीएचएमसी इलेक्शन आया था, मैं हमारे माइनॉरिटी बहनों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, तब हर मुसलमान गलियों में ऑटो ले आकर खड़े करके मुसलमान बहनों को ले जाके दारुसलाम में लाइन लगवाया, 7 एमएलए माइनॉरिटी एमएलए बैठकर उसके लेटरेट के ऊपर दस्तखत कर दे के इलेक्शन होते हैं आपको डबल बेडरूम घर मिलेगा। अभी शब्बीर अन्ना बोले, हमारे असबत भाई बोल रहा, सुधीर कमीशन के हिसाब से 43% कुछ कम 50% मुसलमान भाइयों किराए के घर पे रह रहे। ये लोग सोचे अरे बहुत सारे दिन हम लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दिए और दूसरे पार्टी को दिए, इस बार केसीआर को वोट दिए तो हमको घर मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 7 साल हो गए, इतने भीड़ है, भीड़ में किसी को डबल बेडरूम घर मिला माइनॉरिटी भाइयों को कोई है? नहीं मिले से वाले हाथ उठा, फिर सब आते नहीं मिले, हमारे भाई बहना आपको मिले, बहन आपको मिले क्या घर? नहीं मिले तो हाथ उठाना, फिर इतने सारे लोग हाथ उठा रहे, किसी को ना आपको मिले, बहन आपको मिले क्या घर? नहीं मिले तो हाथ उठाना, फिर इतने सारे लोग हाथ उठा रहे, किसी को घर नहीं मिला, किसी को 10 लाख नहीं मिला, किसी घर में किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिले, फिर ये पूरा किस लिए हो रहा, ये बेरोजगारी क्यों पहनते जा रहे? केसीआर के वजह से, केसीआर किस लिए बच जा रहे? असद भाई के वजह से। तो जब आप दुश्मन को मारने के लिए हमारे माइनॉरिटी भाई तैयार हो गए तो असद भाई आके बीच में खड़े रह रहे, मगर ये कोई आपको राजनीति में कुछ फायदा होगा? एमआईएम पार्टी और कहीं तरक्की कर रहा होगा हमको पता नहीं, मगर आप लोगों को किसी को घर नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, लोन नहीं मिला, केसीआर को प्रगति भवन 10 एकड़ में घर मिला,
सदर साहब को शास्त्रीपुरम पहाड़ के ऊपर सबसे शानदार महल मिला। दस एकड़ का अंजन भाई बाजू से कह रहे हैं, और दस है पंद्रह है मुझे तो पता नहीं, पहाड़ के ऊपर तो शानदार महल मिला, पैलेस तो मिला। अच्छा है अपना ही है, वो भी अपना भाई है, उनको पैलेस मिले मिलने दो, और सोना भी मिलने दो, और चांद नहीं क्या बोलते हीरे। जो रंजीत रेड्डी ने जब ट्रिपल तलाक के एनआरसी के सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल आए तो इनके हाथ उठे मोदी के मदद में, इनके आवाज उठे मोदी के मदद में। मैं अब यह सवाल पूछना चाह रहा हूं इस मंच से, हमारे तेलंगाना में जितने भी 40-50 लाख लोग मुसलमान भाई बहनों हैं, मैं उन लोगों को एक सवाल उठाना चाहता हूं। ये सही वक्त पे जब मोदी को मदद देने वाले को आप वोट देने इसके वजह से ये सब हो रहा नहीं हो रहा, आप लोग सोचो, सुकून से सोचो। बच्चे को बाल सबको घर में बिठा के खाना खाने के बाद आप लोग सब आपस में बैठ के बात कर लो, चर्चा करो। मैं इसीलिए मैं हमारे मुसलमान भाइयों से एक ही गुजारिश है, अभी हम लोग वोट के लिए ये जलसा नहीं लगाए, हकीकत बोलने के लिए ये जलसा लगाए। किसके वजह से माइनॉरिटी लोगों का नुकसान हो रहा है, किस लोगों के वजह से ये नुकसान अपने को पहुंचा रहा है, किसने पहुंचा रहा है, किसने कर रहा है। मोदी जो नुकसान कर रहा है वो नुकसान पहुंचाने में हिस्सेदार है केसीआर और असद भाई ने। ये केसीआर असद भाई को देखकर नाले में कीड़े जैसे जीना पड़ रहा है, हमारे माइनॉरिटी भाइयों को कम से कम डबल बेडरूम का घर दिलाओ, ये दो नहीं दिलाए तो कम से कम कुछ काम कर लेने के लिए 10 लाख लोन तो भी दिलाओ। फुक्कड़ में नहीं चाहिए आपको, कम से कम लोन दिलाओ, हम मेहनत करके तेरे 10 लाख को और दो मिला के 12 लाख फिर वापस करेंगे। हम ये नहीं मांग रहे शास्त्रीपुरम पहाड़ के ऊपर जो महल है, महल में एक गज का जगह नहीं मांग रहे, गजवल में जो फार्म हाउस है, 1000 एकड़ में जो केसीआर साहब का फार्म हाउस है, फार्म हाउस में एक इंच का जगह भी नहीं मांग रहे हम लोग। हम लोग उधार भी नहीं मांग रहे, बीत नहीं मांग रहे, हम हक मांग रहे, ये हक के लिए हम लड़ेंगे, हम मरेंगे।